जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो वह गलत है। आपको पैसे का नशा हो गया है। पैसे के भी कई रूप हैं, जिसे आप महास्वरूप मान रहे हैं वो निष्वर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आज हम लोग कर रहे हैं, भाई का धन लूट कर बेटे के लिए बना रहे हैं, बेईमानी ठगी किसको दिखा रहे हैं? जो धन हम इकट्ठा करते हैं वह अंत काल में हमें यही छोड़कर जाना है। सच्चा धन क्या है? सच्चा धन जो है वह प्रेम है, वह ज्ञान है। आप जानते हैं कहीं पे भी भगवत गीता हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो महाराज जी कहते हैं लूट लो, जितना धन लूट सकते हो लूट लो, खजाना भर जाएगा। यह सत्य है, जो खजाना है वह धन है, वह सत्संग में है। जो आपका यह लोक तो सुधार ही देता है, परलोक भी सुधर जाता है, परंतु हम लोग क्या करते हैं, इस जीवन को अपनी सोच से एक नशा हो जाता है हमारे जीवन में कि हम उससे आगे निकले। निकलना गलत नहीं है, निकलिए, परंतु एक रुकाव जरूर आएगा। आप जानते हैं आप जितना मर्जी आगे निकल जाएं, खाएंगे आप रोटी ही, आप सोना नहीं खा सकते, चांदी नहीं खा सकते, हीरे मोती नहीं खा सकते। खाने के लिए आपको अन्न की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से यह जो मनुष्य का जीवन है, जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, वह प्रेम खाती है, वह ज्ञान खाती है। जितना सरल यह जीवन है उतना ही कठिन और कठोर हम बनाते जा रहे हैं। यह जो जीवन की धारा है, आप इसके साथ चलिए या इसके विपरीत, यह आपकी मर्जी है। यह धारा यूं ही चलती रहेगी और एक ना एक दिन भव सागर में मिल जाएगी। जीवन जो है वह एक बूंद के समान है, एक ना एक दिन भव सागर में मिलना ही मिलना है। ढूंढते रहिए जीवन को, कमाते रहिए धन। धन का नशा भी जरूरी है, लेकिन धन आप कमाएं, आपको धन ना कमाएं। किसी चीज के आप आदि ना हो जाए, किसी चीज के गुलाम ना हो जाए। प्रेम करें, प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है, परंतु प्रेम के गुलामी ना हो जाए। किसी के बंधन में ना बंध जाए, क्योंकि जब जाने का टाइम आएगा तो प्रेम जितना गहरा होगा वह आपको इस संसार से जाने नहीं देगा। तत्पश्चात फिर से आप इसी संसार में लौट के आना होगा। नियम कानून, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, यह आपके ऊपर निर्भर है। आप अच्छा करेंगे, सत्कर्म करेंगे,
और ध्यान लगाएंगे तो जीवन मृत्यु से आप मुक्त हो जाएंगे। जीते जी ही आपकी मृत्यु हो जाती है। शरीर वही है, आत्मा भी वही है, कुछ नहीं बदला। सोचने का नजरिया बदल जाता है। पुनः जन्म जिस दिन शरीर का होता है, यह संसार स्वर्ग बन जाता है। चारों तरफ फूल खिले हुए दिखते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखती है। आप जानते हैं इस संसार में जिस चीज की भूख होगी वही चीज हमें दिखाई देती है। अगर किसी को सेक्स की भूख है तो उसे चारों तरफ स्त्रियां ही नजर आएंगी, पुरुष नजर नहीं आएंगे। धन का लोभी है तो चारों तरफ उसे बिजनेस ही बिजनेस दिखाई देगा। अगर कपड़े की जरूरत है तो उसे चारों तरफ कपड़े की ही दुकान दिखाई देगी। नशेड़ी है, शराबी है तो उसे शराब ही नजर आएगी। कोई चोर है तो उसे चोरी के लिए वस्तुएं नजर आ ही जाती हैं। उसी प्रकार से जीवन जो है हमारा वह बहुत सरल है। अब आप क्या चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहते हैं यह आपकी मर्जी है। जीवन इतना सरल है, जिस प्रकार से पानी बह रहा है इसी प्रकार से सरल है, परंतु कठिन हम मनुष्य स्वयं बनाते हैं। जात पात ऊंच नीच भेदभाव और इन्हीं में उलझ के यह संसार जो है नरक हो जाता है। सर्वप्रथम अहंकार मरेगा तब जाके मनुष्य का जन्म होता है, अन्यथा मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, इनमें क्या रखा है। प्रेम रूपी धन कमाने आए हो कहीं भी मिल जाएगा। जब आप बीमार होते हैं, जब आपको ब्लड की जरूरत होती है, उस ब्लड की बोतल पे ये नहीं लिखा होता कि यह हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का या सिख या ईसाई, उस पे ब्लड ग्रुप लिखा होता है, ना कि किसी का धर्म लिखा होता है। लेकिन मनुष्य इस धर्म की राजनीति में खो जाता है और अंत तक उसे ध्यान ही नहीं होता, बोध ही नहीं होता कि ज्ञान क्या है, क्या लूटने आया था और क्या लूट के जा रहा है। धन कमाना इंसान के लिए बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। जितना चाहो कमाओ और लूटो। प्रेम रूपी धन जो है जितना कमा सकते हो, जितना लूट सकते हो लूट लो, यह कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन प्रेम रूपी धन आप कमा लेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेम ही जीवन है और जिसे आप रुपयों के कागज को धन समझ रहे हैं वह किसी काम नहीं आता। परंतु यह भी सत्य है कि बिना रुपए के इस संसार में कुछ नहीं मिलता। तो धन उतना कमाएं जितनी आपको आवश्यकता है। धन कमाना, पढ़ना लिखना यह बहुत जरूरी है, परंतु किसी की एक लिमिट जहां नहीं होगी वह खराब हो जाता है। अगर आपने शराब पी है
अगर लिमिट में पी है तो ठीक है, अन्यथा अन्यथा आपके साथ क्या होगा? बोलिए क्या होगा? आप लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, ड्राइविंग करेंगे तो दूसरा भी आप लेके उसको साथ चले जाएंगे। एक लिमिट तक जो भी कार्य करेंगे वह आपको ज्ञान देती है, शक्ति देती है, अन्यथा जीवन यूं ही बीतता जाए। लिमिट से ज्यादा जब भी क्रॉस करेंगे, आप किसी लड़ाई में बैठे हैं, किसी से वार्तालाप हो रही है और वहां पे आपने जहां लिमिट क्रॉस की वहां महाभारत शुरू हो जाता है।